जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। हम इसमें देखेंगे कि हर दी गई इंस्ट्रक्शंस का क्या फॉर्मेट हो सकता है, उसके लिए कौन सा ऑपकोड यूज किया जाता है और इसमें ऑपरेंड का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म किया जाता है किसी भी मेमोरी के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर। हम देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मेमोरी को, सीपीयू को, वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर किस तरीके से अमल होता है और उसके अलावा वो इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं और उसके लिए फॉर्मेट जो है वो कौन कौन सा यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट की बात करें तो कंप्यूटर में दी गई हर इंस्ट्रक्शन का एक अपना फॉर्मेट होता है। मीन्स के अगर किसी ने कुछ एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होंगी, अगर किसी ने मल्टीप्लाई का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगी दैट विल बी डिफरेंट। इसी तरह से डिवीजन की इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होंगी, अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें उसकी एक अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा मेमोरी का जो रीड का ऑपरेशन है उसका एक अपना फॉर्मेट है और मेमोरी का जो राइट का कॉन्सेप्ट है उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है। मीन्स के किसी भी तरह का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो मेमोरी के ऊपर हो या हमने प्रोसेसर के ऊपर सीपीयू के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना हो, उसके लिए हर इंस्ट्रक्शन का जो कोड है, जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। तो एक्चुअली हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। हर इंस्ट्रक्शन का जो कोड होता है दैट विल बी डिफरेंट। ईच इंस्ट्रक्शन हैव डिफरेंट कोड या डिफरेंट कोड फॉर्मेट कह सकते हैं आप लोग, कि भाई हर इंस्ट्रक्शन का जो कोड फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन ऑपरेशंस की तो हर एक ऑपरेशन का जो एक ऑपरेंड है वो भी डिफरेंट होगा डेफिनेटली, और वो मेमोरी में किस जगह के ऊपर पाया जा रहा है उसका एड्रेस भी डिफरेंट हो सकता है। और इसके अलावा जो दरमियान में ऑपकोड यूज किया जाएगा, मींस के प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, डिवीजन का साइन, एक्सपोनेंट के लिए कुछ इक्वेशन करनी है, इक्वलाइज करना है किसी चीज को, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है, तो ईच ऑपरेटर हैज द डिफरेंट ऑपकोड। यानी कि हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जिस तरह से कोड डिफरेंट है इसी तरह से हर ऑपरेंड का या हर ऑपरेटर का अपना एक एड्रेस होता है और उसका एक अपना ही फॉर्मेट होता है। तो इसमें हमारे पास जो इस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर जो जनरल टर्म्स हैं हम उसमें देखेंगे कि ये दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो हमने हर बार अपने माइंड में लाजमी रखने हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कोई भी हो, पहले तो हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो हमेशा किस टाइप का हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसके बाद होता है जी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मैं लिख देता हूं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके अलावा जी है हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और द लास्ट वन इज थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसका जो कोड लिखा जाएगा उसके लिए जो एक फॉर्मेट बनाया जाएगा वो फॉर्मेट जो है वो फोर टाइप्स का हो सकता है। इसमें सबसे पहली टाइप क्या है, जीरो एड्रेस, उसमें कोई एड्रेस नहीं होता, तो इसको भी एक कैटेगरी बना दिया गया। देखा जाए तो अगर कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है उसके अंदर, तो उसको खत्म भी कर दिया जा सकता था। बट कुछ ऐसे एड्रेस होते हैं, कुछ ऐसे ऑपकोड होते हैं कि जिनका बाय डिफॉल्ट जिनको हमने गेट करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एडिशन की तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेटर्स कुछ इस तरह के ऑपरेटर है कि जिनका एड्रेस जो है वो मेमोरी के अंदर बाय डिफॉल्ट पाया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास फोर टाइप्स के डिफरेंट एड्रेस फॉर्मेट्स हो सकते हैं। वो फॉर्मेट मींस कि आप समझ लीजिए कि किसी वी आर टॉकिंग अबाउट सम सिंटैक्स, हम किसी सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, वो सिंटैक्स क्या हो सकता है। देखिए वो जो भी फॉर्मेट होगा आप समझ लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम वो फॉर्मेट लिखने लगे हैं। सबसे पहला जो जनरल टर्म अगर बात करें हम तो उसमें मोड ऑफ एड्रेस होता है, यानी कि एड्रेस मोड होगा। एड्रेस मोड आपके पास क्या क्या है, जीरो वन टू एंड थ्री। इट मींस दैट के यहां पर वन भी हो सकता है, यहां पर टू भी हो सकता है, यहां पर थ्री भी हो सकता है, इसके अलावा यहां पर जीरो भी हो सकता है, तो कोई भी एक एड्रेस मोड होगा। उसके अलावा नंबर टू पे यहां पर आता है ओपकोड। ओपकोड मींस के जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कंप्यूटर को, किसी ने कहा है जी मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है तो यहां पे उस ऑपकोड का एड्रेस आएगा। वो ऑपकोड मींस के प्लस है तो प्लस का एड्रेस आएगा, मल्टीप्लाई का एड्रेस आएगा, या आप कह सकते हैं डिवीजन है, ये कोई भी ऑपरेटर जो उसने यूज किया है
अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इसके अलावा इक्वल टू ऑपरेटर होता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर्स की एक लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पर कोई भी एक ओपकोड का जो है वो कोड आएगा। इसके अलावा यहां पर नंबर थ्री पे हमारे पास उस ऑपरेंड का एड्रेस आएगा। ऑपरेंड मीन्स के मैं आपको वो भी समझा देता हूं, ऑपरेंड क्या चीज होती है। देखें, मैंने यहां पे लिखा 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7, तो दैट इज द ओपकोड एंड दीज आर द ऑपरेंड्स, यानी कि 2 और 5 जो हैं ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। एक ऑपरेटर के इर्द गिर्द जो वैल्यू आप लिखते हो ना, जिनको आपने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो दोनों वैल्यूज ऑपरेंड कहलाती हैं। और ये दरमियान में जो है, समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है इस वक्त, ओपकोड है। अगर बात की जाए तो ये भी एक ओपकोड है, क्योंकि ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। इसी तरह से 7 क्या है, वो फाइनलाइज कॉन्स्टेंट आंसर है हमारा, जिसको हमने किसी एक एड्रेस पे स्टोर करना होता है। खैर, ऑपरेंड, अब ऑपरेंड में जो है फर्दर डिवीजन, ये दो जो है ये यूजुअली दोनों हर एड्रेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, मोड ऑफ एड्रेस एंड ओपकोड। ये तो लाजमी तौर पे होंगी, क्योंकि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन जाएगी तो डेफिनेटली भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म होना है ना, चाहे उसको अपने रीड करना है, चाहे राइट करना है, मेमोरी के ऊपर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जाहिर है ये फॉर्मूला तो लाजमी लगेगा। बट मोड ऑफ एड्रेस को कुछ जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं मेंशन किया जाता, जैसे कि हमारे भी सिलेबस के अंदर मोड ऑफ एड्रेस को शामिल नहीं किया गया। बट आप इसको याद रखिएगा कि ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे मोड ऑफ एड्रेस लाजमी आएगा। हम किसी एक मोड की बात करेंगे, हम किसी एक एड्रेस की बात करेंगे, यहां से जो हमने अभी एक लिस्ट बनाई, हम इनमें से किसी एक मोड की, किसी एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की लाजमी तौर पर बात कर रहे होंगे। फिलहाल मैं यहां पर ओपकोड लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए कि अगर हम मोड को निकाल दें तो यहां पर ओपकोड का एड्रेस आया करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द जीरो एड्रेस। जीरो एड्रेस एक ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जो उस कंप्यूटर को दिया जाता है कि जिसके अंदर जो है एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, या एड्रेस मेंशन होते ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि यूजर की तरफ से एड्रेस मेंशन ही नहीं है, या कंप्यूटर की तरफ से इटसेल्फ उसका एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो वहां पे फाइनलाइज नहीं किया हुआ और उसको मेंशन नहीं किया हुआ। ऐसी जगहों पे, ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर, ऐसे ऑपरेशंस के अंदर हम लोग जो एड्रेस असाइन करते हैं वो जीरो एड्रेस समझा जाता है। जीरो एड्रेस के अंदर ऑपरेंड का और ओपकोड का, क्योंकि एक्चुअली आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक नंबर दिया गया और यहाँ पर एक नंबर दिया गया, और दरमियान में कोई एक ऑपरेटर आ गया, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवीजन का। बेसिक अरिथमेटिक से ही एग्जांपल क्लियर हो जाएगी हमारी। इनमें से कोई ऑपरेटर आएगा तो हमने जाहिर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है दोनों नंबर्स के ऊपर। तो इन दोनों ऑपरेंड का एड्रेस और इस साइन का एड्रेस जो है वो यहाँ पर पाया जाएगा, यानी कि ऑपरेंड ओपकोड जो हमारे ऑपरेटर है और ऑपरेंड का एड्रेस जो है वो इन बाकी किसी भी ब्लॉक्स के अंदर आएगा। देखें, अगर तो जीरो एड्रेस है, ओके, तो जीरो एड्रेस के अंदर क्या होता है कि यहां पर एड्रेस मेंशन ही नहीं किया जाता, ऑपरेंड का एड्रेस मेंशन ही नहीं किया जाता। इट मींस दैट कि वो रजिस्टर जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है सीपीयू के साथ अटैच, या फिर हमारी मेमोरी जो वर्किंग एरिया है हमारा कंप्यूटर का, उसके अंदर वो एड्रेस पहले से मौजूद है, उसके अंदर वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन आई है और उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर फौरन से एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मेट है जिसको हम देखेंगे, दैट इज फेच डीकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। फेच डीकोड एग्जीक्यूशन साइकिल, वो देखते हैं कि उसके ऊपर कैसे काम होना है, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं अपने रजिस्टर या मेमोरी के ऊपर दिए गए उस इंस्ट्रक्शन की। जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी फौरन से रजिस्टर या मेमोरी जिसके ऊपर भी है वो उसको फौरन से क्या किया जाएगा, मेमोरी के ऊपर लाया जाएगा। अगर तो डायरेक्टली मेमोरी के ऊपर आई है तब भी ठीक है, अगर वो रजिस्टर के अंदर स्टोर है तो उसको तब भी उठाकर कहां लेके जाया जाएगा, आपकी मेमोरी के अंदर। और मोस्टली जीरो एड्रेस जो होता है ये जो है हमारे पास स्टैक का कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा स्टैक की फॉर्म में मौजूद होता है। सपोज कर ले कि जी यहाँ पर हमारे पास ए पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक बी, ये जो एक ऑपरेंड है वो पड़ा हुआ है, इनके ऊपर कोई ऑपरेशन जब परफॉर्म होना है ना, सपोज कर ले मैंने ए प्लस बी परफॉर्म करना है, तो इनको फौरन से इस तरह से निकाल लिया जाता है। इसके लिए एड्रेस मेंशन करने की, मोड ऑफ एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफॉल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई जीरो एड्रेस के अंदर हम एड्रेस मेंशन नहीं करते, बट उसको बाय डिफॉल्ट जीरो एड्रेस कहा जाता है। अगर हम बात करें वन एड्रेस की, तो इसके अंदर एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर किसी एक चीज का एड्रेस पहले से मौजूद होगा, क्योंकि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है तो एक चीज का एड्रेस लाजमी होगा। सपोज कर लें कि इसके अंदर जो है वो किसी एक चीज का, जैसे कि सोर्स दिया हुआ है, डेस्टिनेशन नहीं दिया हुआ, सोर्स एड्रेस मौजूद है,
जो है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस वो नहीं दिया हुआ। ओपकोड तो डेफिनेटली मिलेगा ना कि भाई आपने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट उसमें से जो दो ऑपरेंड बचते हैं, मींस के ए और बी दो ऑपरेंड है ना, तो इसमें से किसी एक का एड्रेस पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, जैसे कि वो रजिस्टर या मेमोरी के अंदर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन भेजी गई बट बी का एड्रेस मौजूद है। एड्रेस किसके ऊपर हो सकता है? रजिस्टर के ऊपर भी हो सकता है, मेमोरी के ऊपर भी हो सकता है, बल्कि मेमोरी के अंदर कोई फर्दर जो है एड्रेस भी हो सकता है, जिसको हम लोग टू एड्रेस कहते हैं, वो हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसके अंदर एक चीज की वैल्यू पहले से जो है हमारे अकोमुलेटर के अंदर मौजूद होती है। इसमें अकोमुलेटर रजिस्टर को यूज किया जाता है। आप ये समझ लीजिए अकोमुलेटर रजिस्टर जो है वो मोस्टली जो है मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाए तो इनके ऑपरेंड के एड्रेस जो है किसी एक ऑपरेंड का एड्रेस वो जो है मौजूद नहीं होता, जिसके लिए हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है जिसका एड्रेस हमें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के जरिए से मिलता है। आप समझ लीजिए कि एक ऑपरेंड का एड्रेस ये मौजूद है एंड एक ऑपरेंड डायरेक्टली मेमोरी के अंदर आया है, तो जिस एड्रेस के ऊपर ये जो ए ऑपरेंड है सपोज कर लें ये मौजूद है और बी का एड्रेस हमें बाय डिफॉल्ट दे दिया गया, तो इस ए को पहले फेच किया जाएगा एंड देन उसके ऊपर वो ऑपरेशन को क्या कर लिया जाएगा, परफॉर्म कर लिया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो जो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास दो एड्रेस जाहिर होने चाहिए क्योंकि उसके नाम से शोर है। तो इसमें टू एड्रेस की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो सोर्स एड्रेस होगा और इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा, मींस के इसके अंदर पाए जाने वाली दोनों वैल्यूज का जो एड्रेस है वो हमें कहीं से ढूंढना है। वो किसी रजिस्टर के ऊपर मौजूद हो सकता है, वो मेमोरी के ऊपर डायरेक्टली भी आ सकता है, बट एड्रेस आ सकता है। इट मींस दैट के उस वैल्यू को कैच करने के लिए जिस वैल्यू के ऊपर हमने एग्जीक्यूशन करनी है, जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, उसके लिए दो ऑपरेंड है हमारे पास, एक है ए और एक है बी। इन दोनों के एड्रेसेस मौजूद होंगे, ये खुद वैल्यूज मौजूद नहीं होंगी। आप समझ लीजिए ये हमारे पास एक रजिस्टर है, समझ लीजिए ये हमारे पास मेमोरी का वर्किंग एरिया है, तो क्या होगा कि इस ए का एड्रेस समझ लीजिए यहां पर मौजूद है, जैसे कि 0001 इस जगह के ऊपर हमारे पास इसका एड्रेस पड़ा हुआ है ए का, कि भाई ए कहां मौजूद है। ए सपोज कर लें यहां पर मौजूद है, ए की वैल्यू दी हुई है यहां पर, ए इज इक्वल टू है 2 के, जो भी वैल्यू एक जस्ट एक इमेजिन कर रहे हैं कि ए की वैल्यू है 2, तो क्या किया जाएगा कि पॉइंटर जो है आपका वो यहां पर आएगा, रीड करेगी मेमोरी इस इंस्ट्रक्शन को, देखेगी कि यहां पर उस ए का एड्रेस मौजूद है और फिर फौरन से उस एड्रेस के ऊपर जाया जाएगा और वहां से ए की वैल्यू को गेट कर लिया जाएगा, ए हमें मिल जाएगा। इसी तरह से बी का भी एड्रेस किसी जगह पर मौजूद है, सपोज कर ले बी का एड्रेस यहां मौजूद है और बी की वैल्यू पड़ी हुई है यहां पर, तो फिर बी को यहां से गेट किया जाएगा और बी भी ढूंढ लिया जाएगा एंड देन जो भी ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर लिया जाएगा। इट मींस दैट कि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर बोथ द वैल्यूज आर नॉट गिवन, वो हमें गिवन नहीं है बट द एड्रेसेस ऑफ दैट वैल्यूज आर गिवन, बल उनके एड्रेसेस जो है वो हमारे पास गिवन होते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज थ्री इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर की डिवीजन फिर चेंज हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन तरह के एड्रेसेस, मुख्तलिफ एड्रेसेस यूज किए जाएंगे, जैसे कि इसमें सबसे पहला है हमारे पास डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हमें यहां पे मिल गया, सपोज कर लें जी ये हमें डेस्टिनेशन मिल गया, बट सोर्स दो हिस्सों में फर्दर डिवाइडेड है, यानी कि उसके अंदर आपके पास फिर मजीद दो एड्रेसेस मौजूद है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के जरिए से इसको ना जरा इमेजिन करें, हमने जैसे अभी बनाया था यहाँ पे ये हमारे पास रजिस्टर, हमने ए का एड्रेस ढूंढना है जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, ए का एड्रेस यहां मौजूद था ओके और उसकी वैल्यू हमें यहां से मिल गई, सपोज करने हम मेमोरी जो है उसने ये इंस्ट्रक्शन को रीड किया 0001 और वहां से एड्रेस फेच किया, एड्रेस फेच करने के बाद वो आ गई यहां पर और उसको ए की वैल्यू मिल गई, ये जस्ट एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इट मींस दैट कि ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन थी ओके, बट इसमें जो सोर्स है सपोज करने वो बी है जी हमारा, अब वैसे तो ए को सोर्स करना चाहिए था बट खैर हमारे पास एक सेकेंड ऑपरेटर है दैट इज ऑपरेंड है दैट इज बी। अब बी का एड्रेस है इस जगह पर यहां से आए, बट 0003 जो है वो एक ऐसा एड्रेस है जो किसी फर्दर एक रजिस्टर के अंदर के ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस के इस एड्रेस ने हमें भेजा इस एड्रेस के ऊपर और यहां से मजीद एक बार एड्रेस मिला जो कि इस जगह का था जहां पर एक्चुअली बी पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब हुआ
कि इसमें हमें दो बार अपने एड्रेस को फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इसमें दो हिस्सों में एक एड्रेस को बांट दिया जाता है कि एक जगह से रजिस्टर का एड्रेस मिला, हो सकता है जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे पड़ा हो सकता है ये मेमोरी के किसी एक ब्लॉक के अंदर पड़ा हो। मेमोरी के अंदर भी तो फर्दर हमारे पास इस तरह से मल्टीपल एड्रेसेस हैं जो कि बाइट्स के अंदर उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मोस्टली ये होता है कि ओपकोड की जो डिवीजन होती है वो 4 बिट्स की होती है एंड बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उनकी 6 बिट की जो है वो आप कह सकते हैं हमारे पास डिवीजन होती है। तो अगर ये भी 6 बिट का हो, ये भी 6 बिट्स का है वो, तो हमारे पास 6+6 इट विल बी 12 एंड 12+4 इट विल बी 16 बिट्स। तो 16 बिट्स की डिवीजन के अंदर ये पूरे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिवाइड किया होता है। तो उसके अंदर 16 बिट की जो डिवीजन है वो किसी भी तरह से हो सकती है। ओपकोड को आपने 4 बिट दे दिए बट बाकी के जो डिवीजन है 10 बिट्स की वो किसी भी तरह से हो सकती है। उसमें 3 एड्रेस हो सकते हैं, उसमें 2 एड्रेस हो सकते हैं, उसमें डायरेक्टली 1 एड्रेस हो सकता है, बट उसमें बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई याद रखिएगा कि आपको यहां से एक एड्रेस मिला और उस एड्रेस के बाद आपको कहा गया कि जी आप फर्दर एक एड्रेस ढूंढे यहां से। आप वहां पर गए, एक एड्रेस वहां पड़ा हुआ था, किस चीज का एड्रेस था वो रजिस्टर के अंदर, इस ब्लॉक का एड्रेस था। आप यहां पर आए, आपको वो बी डायरेक्टली मिल गया। इट मींस दैट कि हमें उसके लिए 3 तरह के डिफरेंट एड्रेसेस चाहिए होंगे जब हम बात करेंगे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। इस तरीके से ऑपरेंड्स को और ऑपरेटर को फाइंड किया जाता है और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है मेमोरी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है, जिसके लिए हमने देखा फेच डीकोड एग्जीक्यूशन साइकिल यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फेच इंस्ट्रक्शन की। फेच क्या किया जाएगा, सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को गेट किया जाएगा। गेट मीन्स के फेच एंड फेच मीन्स के हासिल करना किसी चीज का। पहले उस इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे किसी भी एड्रेस के ऊपर, वो मौजूद है वो रजिस्टर के ऊपर मौजूद है, वो मेमोरी के ऊपर मौजूद है, वो सीपीयू के ऊपर है, वो कहीं पे भी है, उस इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया जाएगा, देन उसको डीकोड किया जाएगा, उसको खोला जाएगा। इसके अंदर है क्या, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कहाँ पे ऑपरेंड्स के एड्रेस पड़े हुए हैं, एंड देन उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की जाती है। ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू अगेन एंड अगेन करता है। सो दैट्स व्हाई क्या होता है कि वो उसको कहा जाता है फेच डीकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। सबसे पहले वैल्यू को गेट किया, वैल्यू को गेट करने के बाद हम उसको डीकोड करेंगे, मींस कि उसकी एनालाइजेशन करेंगे। उसको एनालाइज करने के बाद उसके अंदर जो फर्दर मटेरियल्स हैं, मींस कि जो भी उसके अंदर चीजें इस्तेमाल की गई है उनको देखा जाएगा, क्या काम करना है उसको समझा जाएगा, एंड देन उसके ऊपर मेमोरी जो है एग्जीक्यूशन करेगी ना, देन उसको मेमोरी के ऊपर लोड करके तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है फाइनली। ये प्रोसेस क्योंकि बार बार जब तक वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन को रन नहीं कर लिया जाता, तब तक सीपीयू उसको परफॉर्म करता रहता है। सो दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है फेच डीकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। सो दैट वाज द टॉपिक जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ एड्रेसेस पढ़े, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ जिससे आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी तो ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं जी, इसमें हमारे पास एक ओपकोड है। ओपकोड के बाद आपका अगर बात करें सबसे पहला जो ब्लॉक है दैट इज ओपकोड। ओपकोड के बाद हमारे पास जो सेकंड आएगा दैट इज डेस्टिनेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मैंने जो एक पिक्चर दी है दैट इज 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इसके अंदर नेक्स्ट वन पे हमारे पास एक सोर्स आएगा, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट सोर्स दिया जाएगा, उस सोर्स के बाद हमारे पास जो है वो मोड ऑफ एड्रेस की बात भी की गई है, यानी कि इसके अंदर हमने मोड को भी शामिल कर लिया। तो इसके अंदर एक एड्रेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो दैट इज द डायग्राम ऑफ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसी तरह से अगर एक सोर्स को कम कर लेंगे तो 2 एड्रेस, अगर एक और सोर्स या डेस्टिनेशन को कम कर लेंगे जिसका एड्रेस डायरेक्टली अकोमोडेटर के अंदर रजिस्टर के अंदर मौजूद होगा तो वो 1 एड्रेस कहलाएगा, और अगर कुछ भी मौजूद नहीं है तो वो उसका मतलब है कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसके अंदर एड्रेस दिया ही नहीं गया। ओके तो स्टूडेंट्स ये था जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।